नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा आज ओमान में कितना केस आया, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा केस आज के दिन आए, बुधवार के दिन। मतलब देखा जाए ओमान में अब तक काफ़ी भारी मात्रा में आज उछाल दर्ज किया देखा गया केस के मामले। उसके बाद बताऊंगा कि ओमान में सोशल मीडिया पे, जी हाँ, एक लड़की को बदनाम करने के, जो कि कुछ आरोपी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो पूरा बताऊंगा कि कहाँ का था, कैसा कैसा हुआ जिसके बाद आरोपी ने उसको गिरफ्तार किया। तो पूरा डिटेल दोनों अपडेट वीडियो में शेयर करूंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक करते बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि ओमान से रिलेटेड नई नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रही। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि सोशल मीडिया के, जो कि एक आपको मालूम होगा सोशल मीडिया पे इस समय क्या क्या बहुत सारे लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं इसका। हर एक जगह, हर एक कंट्री में, इंडिया हो गया, ओमान हो गया, या कहीं पे भी ले लो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अच्छाई भी होती है, ये नहीं कि खराब भी होता है, अच्छाई भी होती है, खराब भी होता है। तो आपको बता दें, सोशल मीडिया पे एक लड़की को ब्लैकमेल उसको करता था, एक आदमी था जिसको ब्लैकमेल करता था लड़की को, उसके आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और ओमान ने एक व्यक्ति को ओमान की पुलिस ने अपडेट दिया है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है लड़की को बदनाम करने और सोशल मीडिया से के माध्यम से उसको ब्लैकमेल करने का, मतलब उसके आरोप में गिरफ्तार किया, पिक्चर हो गया या और चीज़ हो गया, वीडियो हो गया, उसके मतलब वह उसको वायरल करने के लिए उसके मतलब उसने उसी लिए उसको ब्लैकमेल करता था लड़की को, उसके लिए आरोपी ने उसको गिरफ्तार कर लिया और बल्ले लड़की को धमकी दिया। और धमकी में ओमान पुलिस ने मीडिया से उस पर तुरंत रिपोर्ट लिया और उसके बाद ऑनलाइन मतलब ये किया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि ऐसे केस ओमान में आपको मालूम होगा बहुत कम चांस है कि इस तरह ब्लैकमेलिंग हो गया या और कुछ हो गया चलने पाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड अपडेट की। तो आपको तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, जो कि ट्वीट कर अब से थोड़ी देर पहले जानकारी दिया है, 349 नए मामले दर्ज हुए हैं ओमान में पिछले 24 आवर में। देखा जाए, आज तो बुधवार का दिन है, आज के दिन 349 नए मामले दर्ज किए गए हैं। और आपको बता दें, टोटल 9 आदमी एक्सपायर हुए पिछले 24 घंटे के, ये मामला था 24 घंटों में 9 आदमी एक्सपायर भी हुए। टोटल केस की अगर जो बात करें, वहीं पिछले 24 घंटों में अगर जो रिकवरी की बात कर लें, तो आपको 142 आदमी टोटल रिकवर किए हैं, मतलब 24 घंटों में। और टोटल केस की बात करें ओमान में अब तक कितना केस हुआ अगर जो उसकी बात की जाए यहाँ पे, तो आपको 87,939 मामले अब तक ओमान में आज तक दर्ज किए गए हैं, जो कि आपको 9 सितंबर 2020 बुधवार के दिन तक, आज तक। यानी टोटल डेथ की बात कर ले, कितने आदमी एक्सपायर हुए इस बीमारी की वजह से, अपनी जान खो बैठे हैं, तो बात करें यहाँ पे 349 तो नए मामले दर्ज हुए हैं, 751 आदमी आज तक मतलब एक्सपायर हुए। नए मौत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 9 आदमी एक्सपायर हुए हैं। वहीं रिकवरी की बात करें टोटल, तो अब यहाँ पे बता दें आपको, रिकवरी रेट की बात करें तो यहाँ पे मतलब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है ओमान में। तो अगर जो टोटल रिकवरी की बात कर ले, तो यहाँ पे 115 आदमी ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। यानी कि 87,000 प्लस जो ये केस है इसमें मतलब 83,115 आदमी स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन अपडेट है। वहीं बात करें न्यू एडमिट की बात करें, तो यहाँ पे 54 है करंट एडमिट इन ICU की बात करें तो 167 है। टोटल एडमिट की बात करें तो 462 आदमी करंट एडमिट में है, ये जो कि आपको बता दें, ये मैं नहीं बता, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको ट्वीट कर जानकारी दिया है। देखा जाए तो मतलब इस समय अगर जो आज की बात करें पिछले 24 आवर में, तो मतलब देखा जाए तो केस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 200-180 के बीच में डेली केस आता था और आज 349 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।